हमारा चैप्टर खत्म हो चुका था, अभी आप लोगों के प्रश्न उत्तर है जो याद करने के लिए और कॉपी में राइटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ब्रिटेन में महिला कामगारों की स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किस प्रकार से किया गया था। तो इसमें स्पिनिंग जेनी जो ऊन की कताई करने के लिए एक मशीन था जिसका आविष्कार 1764 में हुआ था और इसका हरग्रीव्स ने किया था। ये आप लोग देखेंगे कब हुआ था, ये किसके लिए हुआ था, ऊन की कताई के लिए, और कब हुआ था 1764 में, और किसने किया था, हरग्रीव ने किया था। इस तरह से ऊन के कई धागे जो है एक साथ बनने लगे थे और उनके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के हाथ में ऊन काटने वाली महिलाओं जो बेरोजगारी का डर उनको सताने लगा था। इस कारण इन मशीनों के प्रस्तुत को लंबे समय तक टकराव चलता रहा। फिर देखिए 17वीं शताब्दी के यूरोपीय शहरों में सौदागर गांवों के किसानों और कारीगरों के काम करवाने लगे, मतलब जो सौदागर होते थे वे क्या करते थे, गांव के किसानों और कारीगरों को उनको पैसा देते थे और कार्य कराते थे, एक व्यक्ति से एक कार्य कराते थे, दूसरे व्यक्ति से दूसरा कार्य करवाते थे। इसलिए जो कारीगर होते थे या फिर जो उसमें काम करवाने वाले होते थे वे जहाँ जाते थे सामान देते थे उनसे लेकर वे आ जाते थे। फिर देखेंगे सूरत बंदरगाह 18वीं सदी तक हाशिए पर पहुंच गया था। तो यहाँ पर सूरत बंदरगाह गुजरात के तट पर स्थित था, जो उद्योगों से पहले समुद्री व्यापार की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिसके द्वारा कि भारत के खाड़ी देशों के तथा लाल सागर के साथ साथ इनका व्यापारिक कार्य चलता था, क्योंकि समुद्र के माध्यम से ही व्यापार अधिक से अधिक किया जाता था। देखेंगे इसमें बंदरगाहों से जुड़ा हुआ जो था उसमें यह एक व्यापार भारतीय सौदागरों के नियंत्रण में था, जिससे कि इसमें जो भी यूरोपीय रियासतें थी जो 1750 के दशक में यह शुरू हुआ था उस समय उन्होंने व्यापार पर अपना अधिकार भी जमा लिया था। बंदरगाहों के निर्माण के कारण व्यापार तेजी से होने लगे थे। हुगली जैसे पुराने बंदरगाह थे, मतलब कुछ जो ऐसे थे प्राकृतिक रूप से बंदरगाह थे और कुछ बनाए गए थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकर पर निगरानी रखने के लिए कुछ गुमास्तों, मतलब बुनकरों की निगरानी रखने के लिए गुमास्तों का को नियुक्त किया था, जो कि यह देखते थे कि वे कार्य किस तरह से कर रहे हैं, मतलब उनकी निगरानी करने के लिए रखा गया था कि व्यापारियों के साथ साथ जो सक्रिय व्यापारी थे दलाल थे उनको समाप्त करना था और बुनकरों को अधिक से अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रख के स्थापित करना जरूरी था। इस तरह से कई कंपनियों में ऐसे वेतन भोगी जो बुनकर थे वे थे। फिर याद रखिए प्रत्येक वक्तव्य किसे आगे सही या गलत लिखना है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप के कुल श्रमिक शक्ति 80% तकनीक के रूप में विकसित थे, ये औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहा था, तो ये हो गया गलत। फिर यहाँ 18वीं सदी तक एक महीन कपड़े की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत में दबदबा था, तो ये सही है क्योंकि दबदबा था। और फिर अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत में कपास के निर्यात में कमी आई थी, कमी नहीं आई थी, ये अधिक हुआ था। फिर देखिए फ्लाई शटल के आते ही कथातरह कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ था, ये भी सही है क्योंकि इस तरह से क्या है उनकी उत्पादन की क्षमता बढ़ गई थी और वे अधिक से अधिक कार्य करने लगे थे, उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। फिर पूर्वी औद्योगिकरण का क्या मतलब है, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब ये है कि पूर्व में जो इंग्लैंड और यूरोप के जो ये अन्य देश जो थे फैक्ट्रियों की स्थापना वे करने लगे थे और उससे वे अधिक से अधिक उत्पादन करने लगे। फिर देखेंगे 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। वह इसलिए देते थे क्योंकि यूरोप मशीनियों में प्रवेश कर चुका था, लेकिन बड़े बड़े कारखाने जो स्थापित हो गए थे उसमें नए औद्योगिक प्रयोग होने लगा था, लेकिन यूरोप के कुछ उद्योगपति जो मशीनों की बजाय हाथ से काम कराने श्रमिक प्राथमिकता देते थे क्योंकि श्रमिकों की अधिकता, इसमें यूरोप मानव श्रम को कोई महत्व कोई कमी नहीं थी, इसलिए निर्धन किसान भी बेरोजगार लोग काम की तलाश में बड़ी संख्या में लोग शहरों की तरफ आने लगे थे। दूसरे श्रम की मौसमी मांग, मौसमी मांग इसलिए कि समय समय पर जो कारीगर होते थे वे बेरोजगार हो जाते थे, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी मौसमी मांग इसलिए कहा गया क्योंकि जब खेती करते तो किसान जो खेतों में व्यस्त रहता था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है किसान बेरोजगार हो जाता था जिसके लिए वे काम करने के लिए शहरों की ओर आगे आते थे। फिर देखेंगे मानवीय कौशल से बचने के लिए बनने वाले उत्पाद, जो मानवीय कौशल से हाथ से जो बनाए जाते थे वे मजबूत होते थे और ये उत्पाद जो है बड़ी संख्या में ये
किए जाते थे और साथ ही साथ परंतु बाजार इसमें बारीक डिजाइन जो है हाथों से ही किया जाता था। मशीनों में जो है हम एक डिजाइन जो है फिक्स कर देते हैं उसमें ही वह होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है विशेष आकार वाली चीजों को ही हम अधिक मांग रहती थी। और उदाहरण की हम कह सकते हैं ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में जो मध्य जो 500 तरह के हथौड़े और 45,000 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई थी उसे बनाने की यांत्रिकी उद्योग नहीं बल्कि मानवीय कौशल की जरूरत थी। फिर हाथ से बनी वस्तुओं के प्रति आकर्षण, जो हाथ से बनी हुई चीजें होती थी उसमें बारीक से बारीक कार्य किया जा सकता था, लेकिन मशीन में जो कार्य होते थे उसमें कई बार कई भ्रांतियां भी उत्पन्न हो जाती थी और कई बार एक एक करके भी उस कार्य को किया जाता था और यह जो है प्रतीक माना जाता था। दूसरे से हम देखेंगे कि जो मानवीय लोगों की अधिक आवश्यकता थी। फिर मशीनों की समस्याएं, जो मशीनों के संबंध में कई समस्याएं थी, जैसे एक तो मशीन के बारे में जानकारी होना और दूसरे उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि उसे आविष्कारक और निर्माता क्षमता बताया जा रहा था और उद्योगपति श्रमिकों को से काम करवाना भी वे अच्छा समझते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों की सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। उन्होंने सबसे पहले गुमास्तों की नियुक्ति की। गुमास्ते कौन थे? जो व्यापार में सक्रिय व्यक्ति थे, जो धंधेदार होते थे, वे होते थे जो कि बुनकरों पर और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन पर नियंत्रण स्थापित करते थे और उनसे कार्य करवाते थे, उन्हें गुमास्ता कहा गया था और वे वेतन भोगी होते थे। फिर बुनकरों द्वारा अन्य व्यापारियों को माल बेचने पर रोक, बुनकर जो दूसरे व्यापारियों को जो माल बेचते थे उस पर रोक लगाया गया। फिर बुनकरों से कठोर व्यवहार, गुमास्ते जो हैं बुनकरों का अपमान करते थे, उनसे व्यवहार अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और सिपाहियों चपरासियों को अपने साथ लेकर जाते थे और उनके साथ माल तैयार जो होता था उससे वे दंड देते थे, जिनकी यदि माल तैयार नहीं है तो उनको सजा दी जाती थी। फिर है कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन और कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिए एक लेख लिखने कहा जाए तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटेन और कपास के बीच जो है गहरा संबंध है। इसका कारण यह है कि औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई थी उस समय यहाँ पर निर्मित कारखाने जो है सूती कपड़ा तैयार करते थे और कपास जो है कच्चे माल के रूप में यहाँ पर प्रयोग होता था। इस तरह से अधिक कारखाने जो है क्या करते थे, सूती कपड़े तैयार करते थे, कि कपास का उत्पादन यहाँ पर अधिक से अधिक होता था। फिर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास की आयात भी की जाती थी, जो बाद में बढ़कर 220 लाख पौंड हो गया था। इस तरह से हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, या फिर प्रथम विश्व युद्ध समय औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि क्यों हुई। इसके लिए है ब्रिटिश कारखाने में सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और मतलब सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, युद्ध सामग्री के उत्पादन करने के लिए, और साथ ही साथ मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था उसको भी पूरा करना था, और ये रातों रात एक विशाल देशी बाजार जो है इनको मिल चुका था। फिर देखेंगे युद्ध जो है लंबा खिंच जाने के कारण भारतीय कारखानों में सेना के लिए जू बोरियां वर्दी कपड़े टेंट और चमड़े के जूते घोड़े खच्चर जीन आवश्यकताएं होती थी। फिर पुराने कारखानों में कई शिफ्टों में चलने लगे थे और मजदूरों को काम पे रखा गया था ताकि प्रत्येक मजदूर जो है वह पहले से अधिक काम समय पर काम कर सके और उनको वह काम करना पड़ता था, और साथ ही साथ इसके फलस्वरूप उद्योग के दौरान जो औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई थी, क्योंकि इनको युद्ध के दौरान जो है कार्य बहुत ज़्यादा मिल गया था और जिसको जो मांग थी उसको पूरा करना आवश्यक हो गया था। इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो प्रश्नोत्तर हैं तो वह आप लोगों को कॉपी में ये नोट करनी है।